देश के हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक का रखरखाव और राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिग्रहित खाद्यान्नों के समुचित रखरखाव के लिए केंद्रीय पूल की कुल भंडारण क्षमता जो कि 2014-15 में 554.22 लाख मीट्रिक टन थी, वो बढ़कर 2021-22 में 800.20 लाख मीट्रिक टन हो गई है। भंडारण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले से महत्वपूर्ण उद्घोषणा की गई। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित किए जाने से संबंधित घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से सर्वेक्षण कराकर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न विभाग एवं राज्य सरकारें सम्मिलित हैं। भारतीय खाद्य निगम की भंडारण व्यवस्था के विभिन्न आयाम हैं। पारंपरिक गोदाम, जिनका निर्माण वैज्ञानिक रूप से BIS मानदंडों और CPWD के निर्देशों के अनुसार स्टॉक को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। उपलब्ध भंडारण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए चट्टों की ऊंचाई में बढ़ोतरी कर वर्ष 2021 में 69 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया गया। किसान हित में तथा जन वितरण प्रणाली के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक गोदामों का निर्माण मुख्यतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्लान स्कीम के अंतर्गत उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों में FCI राज्य सरकार के समन्वय से करवाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बढ़ती हुई खरीद के भंडारण के लिए भंडारण क्षमता का सृजन प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से भी निजी उद्यमी योजना के तहत ई निविदा की प्रक्रिया से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए गोदाम का उपयोग एवं किराए की गारंटी निजी निवेशकों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निजी भंडारण योजना के तहत ई निविदा के जरिए गोदाम किराए पर भी लिए जाते हैं। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रमाणीकरण एवं सर्वोत्तम प्रणाली को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से आकलन भी कराया जा रहा है। इन गोदामों को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है और डिपो ऑनलाइन सिस्टम व सिक्योरिटी कैमरों से इनकी निगरानी की जा रही है। कुशल खाद्य आपूर्ति प्रबंधन के लिए साइलो का निर्माण और उपयोग एक यंत्रीकृत और आधुनिक तरीका है। देश भर में 29 साइलो, जिनकी क्षमता लगभग 16.5 लाख मीट्रिक टन है, उपयोग में लिए जा रहे हैं और अन्य 37 स्थानों पर लगभग 19 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साइलो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा PPP मोड के तहत देश में 249 स्थानों पर 108 लाख मीट्रिक टन क्षमता के हब और स्पोक साइलो बनाना प्रस्तावित है। भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 2020-21 में 595 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का परिवहन किया, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। समग्र रूप से सशक्त होती भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित अन्न भंडारण एवं संरक्षण की व्यवस्था भारत वर्ष की खाद्य सुरक्षा की सफलता की नींव है।